अगर ये टूट जाए तो उस टाइम आपको चेंज नहीं करना है, इसको रिपेयर करना है। क्या तो किधर है साउंड, झरझर फरफर का साउंड आते रहता है काफी। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो यह है मेरे पास हीरो कंपनी का ग्लैम्बर बाइक, और इस बाइक के देखिए कभी कभी इस बाइक को सीट को ओपन करके वॉश करवाना चाहिए था, उससे क्या होगा कि बाइक में यहाँ पे धूल मिट्टी नहीं जमेगा। इसमें कपड़ा डाल करके जब भी आप सीट ओपन करके वॉश करवाते हैं बाइक को, उस टाइम एयर फिल्टर में कपड़ा डाल करके बाइक को वॉश करवाए, अन्यथा एयर फिल्टर में पानी चला जाएगा। तो फ्रेंड्स उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अभी जो बात करेंगे आप लोगों की पता है हीरो का जो ग्लैम्बर बाइक है उस बाइक में रियर का जो टेल पैनल है, रियर वाला जो पैनल है लेफ्ट राइट साइड का पैनल है जिसको हम लोग टेल पैनल कंप्लीट असेंबल बोलते हैं, वो कुछ दिन के बाद क्या झरझर आने लगता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे टूट गया तो किधर है साउंड, झरझर फरफर का साउंड आते रहता है, काफ़ी ज़्यादा साउंड आते रहता है। और एक यहाँ से टूट जाता है, दूसरा हो गया कि यहाँ से टूट जाता है। तो इस टाइम हम लोग क्या करते हैं इसको फेविक्विक डालते थक जाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर से झरझर झरझर का फटफट फटफट का साउंड आने लगता है। लेकिन जल्दी इससे साउंड ना, अगर ये टूट जाए तो उस टाइम आपको चेंज नहीं करना है, इसको रिपेयर करना है। तो रिपेयर किस तरह से करना है और आपको देखने में भी खराब नहीं, अगर यहाँ पे हॉल कर देंगे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खराब लगेगा, इसके लिए इसको रिपेयर करने का सही तरीका क्या है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। इससे पहले अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से रेड वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बाइक को इस तरह साइड लेफ्ट साइड का साइड पैनल ओपन कर लेना है, अगर राइट साइड से टूट गया है तो राइट साइड का साइड पैनल ओपन करना है। उसके बाद अगर रियर से यहाँ से टूट गया है, यहाँ से किस तरह टूट गया है, इसका बोल्ट को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक होल करना है, कोई चीज़ आप ड्रिल मशीन से या स्पोक को गर्म करके यहाँ पे एक होल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने होल कर रखे हैं। तो यहाँ के लिए आपको इस तरह का एक ठो पट्टी लेना है, इस तरह के आपको एक ठो पत्ती ले लेना है, ये आपको किसी भी वर्कशॉप पे मिल जाएगा, इसका प्राइस वह 10 से 15 रुपया होगा। मतलब सीधा कर लेना है, सीधा करने के बाद इसको यहाँ पे दबाना है, इसको क्या करना है आपको इस तरह से बेंड कर लेना है, थोड़ा ही बेंड कर, देखिए इस तरह से क्या करना है आपको हल्का बेंड करके इसको एल का आकार दे देना है, बिल्कुल एल का आकार दे देना है। इस तरह से बेंड करने के बाद जहाँ पर हमने यहाँ पर हॉल किए हैं, यहाँ पर जो हॉल किया है उसको क्या करना है इसको अंदर से इस तरह से डालना है, इस तरह से डालने के बाद क्योंकि नट अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है इस तरह का एक ठो 8 नंबर का एक ठो स्क्रू ले लेना है, इस स्क्रू को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इस पत्ती को यहाँ पे डाल करके आपको आस्ते से इसको टेंट करना है पीछे से, इस तरह से नट को देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से टेंट कर रहे हैं, अगर आप इसको पीछे से टेंट कीजिए तो प्रॉपर टेंट हो जाएगा। उसके बाद जो इस स्क्रू को यहाँ से हमने ओपन किए थे उस स्क्रू को आपको यहाँ पे इस तरह से टेंट कर देना है, देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरह से आपको टेंट कर देना है। अब इसको हम फुल टेंट यहाँ पे कर दे, आप देखिए बिल्कुल भी झरझर फरफर का साउंड नहीं आ रहा। क्या है इसको क्या करना है, इसको ज्वाइंट नहीं करना, फेविक्विक वगैरह का कुछ भी यूज नहीं करना, इसको बांधना नहीं है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको यहाँ से खोल करके सेट कर लें। अब उसके बाद क्या करना है इस तरह का आपको 2 ठो पत्ती लेना है, साइकिल दुकान में मिल जाएगा, ये वही पत्ती है जिस पत्ती पर साइकिल में ताला को टेंट किया रहता है, ये वही पत्ती है। ये पत्ती आपको ले लेना है 2 ठो, दोनों का आपको क्या करना है एक जगह डालना है, अगर लेफ्ट राइट दोनों साइड का टूटा है तो 4 पत्ती लेना है। दोनों पत्ती को इस तरह से डालने के बाद देखिए इस तरह से डाल दे, थोड़ा मजबूत हो जाएगा डबल कर देंगे तो। उसके बाद इस बोल्ट, ये जो बोल्ट ओपन किया इसको आपको यहाँ पे फिट करना है, देखिए ये तो अभी फिट नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा टाइट करेंगे तो फिट हो जाएगा। देखिए इसको हमने इस तरह से सेटिंग कर लिया, अब क्या करना है इसके अंदर इसको डाल देना, अगर ये गिर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इस तरह से हम सेटिंग कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे यहाँ पर इस बोल्ट को हम थोड़ा टाइट कर लेंगे पहले, यहाँ पे पहले आपको टेंट कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा ही टेंट करना है। जिस तरह से हम बतला रहे हैं आप उसी तरह से इसको टेंट कीजिएगा, अब आप सोच रहे हैं इसका तो साइड पैनल ओपन है तो यहाँ पे हम टेंट कर दे तो इसको कैसे फिट करेंगे, तो प्रॉपर फिट हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसको टेंट करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे इस स्क्रू का आपको क्या करना है फुल टेंट कर लेना है, यहाँ पे इस स्क्रू का आपको फुल टेंट कर लेना, देखिए इस स्क्रू को हम यहाँ पे फुल टेंट कर लिया है। अब क्या करना है इस स्क्रू को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इस स्क्रू को हम यहाँ फुल टेंट कर दिए, साइड पैनल भी सेटिंग आप ऊपर दिखलाइए, देखिए अब यहाँ पे जो पत्ती था इस पत्ती को हमने इसके बीच में डाल दिया है, अब इस तरह से सेटिंग कर लिए। अब चलिए क्या करना है इस स्क्रू को आपको यहाँ पे आस्ते से आपको टेंट कर लेना है, स्क्रू आपको थोड़ा लंबा लेना है, छोटा स्क्रू रहेगा तो प्रॉपर टाइट नहीं होगा, जो कंपनी से लग गया था उस स्क्रू का आपको सेट कर देना है, अगर फिट नहीं हो रहा है तो उस टाइम आपको दूसरा स्क्रू ले लेना है। देखिए यहाँ पे
हम किस तरह से इसको प्रॉपर सेटिंग कर लिए, वो भी एक पत्ती को यहाँ पे डाल करके। आप देख लें यहाँ पे किस तरह से हमने एक पत्ती डाल करके इस तरफ से इसके अंदर से हमने इस तरह से पत्ती डाल दिए, और ये टूटा हुआ था वो भी रिपेयर हो गया। और ये देखिए कहीं से भी आगे पीछे भी अब नहीं हो रहा, बिल्कुल फाइबर इसका जो लेफ्ट इसका जो टेल पैनल था प्रॉपर टाइट हो गया। आप देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और जेन वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और कहीं हमने यहाँ पे हल भी नहीं किया, इसका काम भी मेरा बन गया। अगर इसको हम चेंज करने के लिए जाएंगे तो यही 1800 से 2000-2500 तक इसका जेनुअन का प्राइस होगा सर्विस सेंटर पर। अगर लोकल लेंगे तो 1000-1500 का लोकल भी मार्केट वाले मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने अगर यहाँ पे टूट गया तो यहाँ पर भी हमने जुगाड़ कर दिया, अगर यहाँ पे टूटा था इसका लॉक वहाँ पे भी हमने जुगाड़ कर दिया। नॉर्मली अगर आपके बाइक का टेल पैनल टूट रहा है तो नॉर्मली आप इस तरह से जुगाड़ करके लगभग 50 से 60 रुपया टोटल खर्च आएगा, प्रॉपर आपको नया जैसा हो जाएगा। और ये झरझर कहीं से भी नहीं कर रहा, देखिए यहाँ पे अब कहीं से भी झरझर फरफर नहीं कर रहा, बिल्कुल प्रॉपर टाइट हो गया। कर ले ये मोटर गार्ड झरझराते रहता है इस तरह से करने पे। यहाँ पे क्या किया हमने, एक कपलिंग रबर डाल दिया, या नहीं तो आप फ्रंट वाला सॉकर वेल सील को आप इसके अंदर डाल करके इस तरह से मोटर गार्ड को टाइट कर सकते हैं, इससे भी साउंड नहीं आएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पेंट खजूली को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।